सो हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्ट्रीट में। मेरा नाम है शुभम और अगर आपके यहाँ भी वाईफाई लगा हुआ है देन आपने भी ये प्रॉब्लम फेस करी होगी कि आपका जो वाईफाई है वो इतनी रेंज नहीं दे पाता कि आपके दूसरे फ्लोर पे भी वाईफाई चल पाए। तो इसके लिए एक टूल यूज़ करा जाता है जिसे कहते हैं वाईफाई रिपीटर, बट वो टूल बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है। आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए। तो यहाँ पर आपने देखा होगा इतने ही जो अच्छे वाले आते हैं वो आते हैं, बाकी नॉर्मल जो स्टार्टिंग होती है वो भी इतने से ही होती है लगभग। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई ब्रोकन फ़ोन है कुछ इस टाइप का, देन आप इन्हें भी वाईफाई रिपीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई लैपटॉप है देन आप उसे भी वाईफाई रिपीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे होगा सारा प्रोसेस मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो में बने रहना अगर आपको सीखना है। और बाकी आपको वीडियो अगर पसंद आ जाए देन वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना, आपको और भी ऐसी वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी। मेरे पास है MI A1 डिवाइस, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर मेरा वाईफाई कनेक्टेड है। वाईफाई कनेक्टेड होने के कारण यहाँ पे जैसे मैं हॉटस्पॉट पे टैप करूँगा देन यहाँ पे मेरा वाईफाई ऑफ हो जाएगा। मतलब यही है कि एक टाइम पे एक ही चीज़ चलेगी इस स्मार्टफोन में, या तो वाईफाई चला लो या फिर हॉटस्पॉट। बट वहीं पे मेरे पास एक और फ़ोन है जो कि है MI A2, आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा वाईफाई कनेक्टेड आप देख सकते हैं। और मैं स्क्रॉल करके दिखाऊंगा यहाँ पे हॉटस्पॉट भी ऑन है, सेम टाइम पे दोनों चीज़ें ऑन है, ऊपर आप आइकन में भी देख सकते हैं। तो ऐसा आप अपने किसी भी स्मार्टफोन में कर सकते हैं और नाम का ही नहीं होगा, आप यहाँ पे कनेक्ट भी कर पाएंगे। आप देख सकते हैं हॉटस्पॉट ऑन है, MI A2 डिवाइस का नाम है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रहा MI A2। और यहाँ पे जस्ट आपको बगल में भी दिख रहा है, इस पर जैसे मैं टैप करूँगा और जो भी मेरा पासवर्ड है वो फिल आउट करने के बाद मैं कनेक्ट भी कर पाऊँगा। ऐसा आप किसी भी स्मार्टफोन में कर सकते हैं, कोई सा भी स्मार्टफोन हो आप अपने स्मार्टफोन को एज ए वाईफाई रिपीटर यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखना, आपको मज़ा आने वाला है। बाय द वे एक कॉमन सेंस की बात ये भी है कि यहाँ पे जो मेरे पास स्मार्टफोन है A1, ये इतना वेल कंडीशन में है कि ऐसे स्मार्टफोन को आप वाईफाई एक्सटेंडर की तरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहेंगे और ना ही मैं आपको सजेशन दूंगा। तो हमारे पास है एक ये रहा पुराना फ़ोन जो कि ओल्ड फ़ोन है, बस डिस्प्ले वर्किंग है, बाकी टच भी आधा चलता है आधा नहीं चलता है। हमने इसे जुगाड़ से चलाया है, एक तरीके से चालू कर दिया हमने यहाँ पे और रोटेशन वाला ऐप डाल दिया। अब जहाँ जहाँ टच हमारा वर्किंग है वहाँ पे जाके हमें जस्ट आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपकी फ़ोन की डिस्प्ले वर्किंग है देन आप इस पोर्ट में अपना OTG लगा के अपने माउस को अटैच करके भी अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत टच वर्किंग है, उतने में हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, नेटशेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है, यहाँ पे स्टार्ट वाईफाई हॉटस्पॉट का ऑप्शन है, इस पर टैप कर देना है और ये हमारे लिए एक हॉटस्पॉट क्रिएट कर देगा। वहाँ पे हमें पासवर्ड भी दिख रहा है, बट इसकी एक कंडीशन है कैसे आपको इसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मली कनेक्ट नहीं करना है आपको, कुछ अलग तरीके से इसे कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमने A1 में आ गए हम और इसी में हम कनेक्ट करके आपको दिखाने वाले हैं। अब मैं MI A1 के वाईफाई की सेटिंग में आ गया, यहाँ पे हमारा फ़ोन दिख रहा है वाइब K5 नोट। आप जस्ट बगल वाले फ़ोन में भी देख सकते हैं, नेम यही है, नेम के जस्ट नीचे आपको पासवर्ड दिख जाएगा, आपको फिल आउट कर देना है। जैसा कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन है सेम एज इट इज़ आपको डाल देना है। यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया, अभी कनेक्ट पे टैप नहीं करना है, अभी आपको कनेक्ट करना है एडवांस ऑप्शन। फिर से दिखाता हूँ, ये एडवांस ऑप्शन है, उस पर टैप करना, नीचे आना जहाँ पे नन्हे से मैनुअल कर देना। मैनुअल करने के बाद जस्ट आपको नीचे दिखेगा प्रॉक्सी होस्ट नेम, तो यहाँ पे आपको ये फिल आउट करना होगा। आप बगल वाले फ़ोन में देख रहे हैं एड्रेस के अंदर आपको ये फिल आउट करना है, इसके नीचे एक जगह IP होगा तो वहाँ पे आपको फिल आउट नहीं करना है, आपको फिल आउट करना है प्रॉक्सी होस्ट नेम के अंदर। जो भी एप्लीकेशन में लिखा आ रहा है सेम हमें एज इट इज़ यहाँ पे टाइप कर देना है, 192.168.49, उसके बाद जो हमारा कॉलन वाला होता है वो, उसके बाद 1 और उसके नीचे 8282 करके, उसके बाद आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है, एक बार सर्फिंग करके देखते हैं कुछ इंटरनेट पे कि हमारा वर्क करता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे इंटरनेट स्पीड तो ऑलमोस्ट सारी आ रही है जितनी आनी चाहिए, तो यहाँ पे इस वाले स्मार्टफोन को हम रख देते हैं और उठाते हैं जिसमें अभी हमने कनेक्ट करा है, क्योंकि हमें देखना भी होगा ना कि आपको टेस्टिंग करके दिखाना बनता है मेरा कि नेट भी वर्क करता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको मैं यूट्यूब ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो चुका है और वर्किंग भी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार स्लाइड करके, आप देख सकते हैं वही K5 नोट हमारा कनेक्टेड है और यहाँ पे हमारा अच्छे से नेट चल रहा है। तो ये रहा वाइव K5, एक पुराना सा फ़ोन जिसे हमने हॉटस्पॉट रिपीटर की तरह यूज़ कर लिया है। वेल, अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रही है देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर से करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और बाकी हमारे चैनल पर पहली बार आए थे देन डू सब्सक्राइब, आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं अगर आप लैपटॉप में यूज़ करना चाहें, लैपटॉप को एज अ वाईफाई रिपीटर यूज़ करना चाहें देन वो कैसे कर सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, लैपटॉप में नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है सॉफ्टवेयर की, वेदू वाईफाई हॉटस्पॉट, ये आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे वाईफाई नेम को एडिट भी कर सकते हो। मैंने नेम नहीं एडिट करा, मैंने पासवर्ड एडिट कर दिया। आप दोनों चीज़ें एडिट कर सकते हो, जो आपको रखना है वो रख लेना। उसके बाद यहाँ पे वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फ़ोन स्क्रीन पर आ जाना है। तो फ़ोन स्क्रीन पर हम आ जाते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू। लैपटॉप वाला प्रोसेस तो और भी इजी है, आपको जस्ट यहाँ पे क्रिएट करने के बाद वाईफाई में आना है और जो भी आपने पासवर्ड रखा हुआ है वो पासवर्ड फिल आउट करना है। मैं यहाँ पे अपने फ़ोन को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे चला गया था ताकि मैं देख पाऊँ। तो यहाँ पे कनेक्टेड का ऑप्शन भी आ चुका है हमारे लैपटॉप के अंदर। अब आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाना है और एक बार सफरिंग करके देखना है कि आपका यूट्यूब वगैरह जो भी आपने कनेक्ट कराया वो चल रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे इससे पहले जो हमने फ़ोन में करा था उसमें मैनुअली हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ी थी, बट यहाँ पे जस्ट आपको क्रिएट करना है हॉटस्पॉट और पासवर्ड डालना है और आप प्ले कर पाएंगे। बाय द वे, अगर आपके यहाँ भी वाईफाई लगा था देन आपने भी ये प्रॉब्लम फेस करी होगी, बट अब नहीं करनी पड़ेगी आपको, अब जुगाड़ पता है। तो इस तरीके से आप वाईफाई को यूज़ कर पाएंगे, अपना एक्सटेंड कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और हमारे चैनल पे पहली बार आए थे देन डू सब्सक्राइब, आपको और भी ऐसी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।